दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो हम आपको प्रॉपर्टी दिखाने लाए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। आपके सामने तीन घर हैं जो कि 90-90 गज के अंदर बने हुए हैं और जिनका 19.25 फुट का फ्रंट रहेगा। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो बिल्कुल आपका जो बस स्टैंड है ग्रेटर मोहाली खंड के अंदर, उसके बिल्कुल सामने आपका आ जाता है और रोड से कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा, आपको वॉकिंग डिस्टेंस ही रहेगा। और मेरे घर के सामने जो हमारी रोड है वो भी काफ़ी वाइड है। बहुत कम आपने देखा होगा कि बजट घर के अंदर हमारे पास इतनी अच्छी रोड्स हमें मिलती हूँ। कॉन्क्रीट रोड्स आपकी पूरी रहेंगी यहाँ पर और काफ़ी वाइड रहेंगी। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो है, आपके तीनों घर हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। अगर आप तीन दोस्त हैं या आपकी जॉइंट फैमिली है, आपको लगता है कि हमने अलग अलग दो या तीन घर लेने हैं, तो ये लोकेशन जो रहेगी परफेक्ट आपके लिए रहेगी। दोस्तों फ्रंट की बात करें तो वाकई एक अलग डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया गया है। एक हार्ट शेप में आपको सामने की तरफ मिल जाती है जिसके ऊपर टाइल्स आपके लगाई हुई हैं और उसके ऊपर जो है आपके पास जो है स्टेनलेस स्टील की रेलिंग रहेगी बालकनी में और जो रहेगी आपका ग्लास की फिनिशिंग रहेगी। एंट्रेंस खूबसूरत हो तो घर के अंदर जाने का एक अलग ही मजा आता है। वहां पर लगता है कि हाँ मैं किसी एक अपने अच्छे से घर के अंदर जा रहे हैं। छोटा सा गार्डन एरिया हमें घर के सामने मिल जाता है जिसे हम आराम से फ्लावरिंग कर सकते हैं यहाँ पर। और जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर रहेगा वो हमारा बिल्कुल आयरन का रहेगा, हैवी चीज़ है। और जैसे हम डोर अपना ओपन करते हैं तो हमारे पास जो पार्किंग एरिया काफ़ी अच्छा आ जाता है, हमारी हैचबैक गाड़ी जो है आराम से यहाँ पर लग जाएगी। तो आपको यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका बजट घर है या छोटा घर है तो वहाँ पर आपकी गाड़ी लगेगी अंदर या नहीं, बिल्कुल लगेगी। और यहाँ पर आपके पास जो टैप्स के दो पॉइंट्स मिल जाते हैं, अगर यहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं, वॉशिंग करनी है, गाड़ी आपके धोनी है या कुछ और है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट बालकनी के ऊपर आपको जो है एलईडी लैंप्स आपको मिल जाएंगे जो कि घर की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। इसकी खास एक फ़ोटो जो है आपको नाइट व्यू की भी आपको हाईवे में दिख जाएगी। घर का हमारा डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट रहेगा आपका। स्टेयर्स हमारी स्टेनलेस स्टील की रहेंगी और मार्बल की जो हमारी रहेगी। और जो मेन एंट्रेंस डोर है हमारा बिल्कुल डिजाइनर रहेगा और आप देख सकते हैं खिड़की पूरी आगे तक है ताकि पूरे घर के अंदर जो वेंटिलेशन और लाइट है वो एक अच्छे तरीके के साथ अंदर आती रहे। तो जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक अच्छा सा ड्राइंग एरिया आ जाता है। काफी अच्छी स्पेस हमें मिल जाती है ड्राइंग एरिया के अंदर। सीलिंग पर आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन मिल जाता है फॉल सीलिंग का, जिसमें आपको एलईडी लैंप्स लगे हुए हैं। और अगर इस तरफ मैं आपको वॉल दिखाऊं तो जहां पर वॉलपेपर लगा और एक डिज़ाइनर फिनिश आपको यहां पर पूरी मिल जाती है। आपने सिर्फ ये चीज़ें सैंपल फ्लैट्स के अंदर ही देखी होंगी, ये चीज़ हम आपको करके दे रहे हैं और बिल्कुल बजट के अंदर। अगर आप किसी डिज़ाइनर को बुलाकर ये काम करवाते हैं तो आपका पता नहीं कितने हज़ारों के अंदर खर्चा आ जाता है, हज़ारों भी नहीं आपके लाखों में चीज़ें बढ़ जाती हैं जब आप किसी डिज़ाइनर को घर में बुलाते हैं। काफ़ी अच्छा हमारा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया रहेगा आपका। इजीली यहाँ से जहाँ तक जो है आपका 18 फीट की यहाँ पर इंटरनल आपकी जो आ जाएगी 18x8, तो स्पेस अच्छी है। और ठीक इस तरफ जो हमारे पास हमारी किचन आ जाएगी जो कि एल शेप के अंदर बनी हुई है। काउंटर टॉप हमारा जो रहेगा वो बिल्कुल ग्रेनाइट का रहेगा, काफ़ी अच्छा मजबूत और एक अच्छा डिज़ाइन है। बिल्कुल हाइड्रोलिक्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं और जितनी भी प्लाई आपकी लगी है वो सारी डबल लैमिनेटेड है ताकि ड्यूरेबल रहे, सालों साल आपकी जो चीज़ चले आपको कभी प्रॉब्लम ना हो कि आप ख़राब हो गई है या उसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है। आपने एक बार चीज़ ली, पैसा खर्चा और आप फ्री हो लाइफ लॉन्ग। ठीक यहाँ पर आपके पास गोल्डन कलर के अंदर टाइल दी गई है जो थोड़ा सा हाईलाइट करती है जब हम अपना चूल्हा यहाँ पर रखते हैं। और ऊपर अगर आप चिमनी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, प्रोविजन यहाँ पर दी गई है तो एक अलग सी हाईलाइट आ जाती है। यहाँ पर आपको आरओ के पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे, डबल सिंक आपको मिलता है डबल टैप्स के साथ। और ठीक सामने आपको खिड़की मिलती है, थोड़ी बंद की हुई है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा आती है तो कैमरे में वो शायद वो पूरा अच्छे से कैप्चर ना हो पाए तो इसलिए खिड़की को थोड़ा सा बंद किया गया। साइडों पर भी आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो है नीचे हमारे पास स्टोरेज है वो पूरी रहेगी। तो सिर्फ बात बजट घर की नहीं है या छोटे की नहीं है, आपको जो चीज़ मिलती है वो पूरी मिल जाती है और एक अच्छी प्राइस रेंज के अंदर मिलती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है।
देखिए घर के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है क्वालिटी वॉल, वो आपको पूरा मिल रहा है। एक खूबसूरत सी किचन, और ठीक इसके साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता हमारा बेडरूम। बेडरूम हमारे पास काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर वॉल पर हमारा बिल्कुल जो बेड की बैक की वॉल है वहां पर आपका पूरा एक वॉलपेपर लगाया गया है, काफी अच्छी लुक आती है इसकी। और सीलिंग पर भी आपको जो पूरा सीलिंग डिजाइन आपको पूरा मिलता है फॉल सीलिंग का, और विद एलईडी लैंप्स के साथ आपको यहाँ पर मिलता है। देखिए अभी दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रात को भी देखेंगे तो यहाँ पर लाइट जो होगी वो पूरी आएगी हमारे घर में। तो ये देखिए सिर्फ गिन के 4-5 लैंप्स लगाए हैं, तो लैंप्स की जो लाइट है वो पूरी आपको मिल जाती है। पूरा 11x11 का हमारा बेडरूम ये रहने वाला है। साथ में आपकी यहाँ पर अलमीराज आ गई, अलमीराज में आपको जो है बिल्कुल जी हाँ स्लाइडिंग आपको जो यहाँ पर डोर्स मिलने वाले हैं, और काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर। इजीली आपके जो लॉन्ग कोट्स हैं वो आराम से आएंगे, जितना भी सामान होगा आपका अंदर ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और ठीक इसके साथ यहाँ पर आपका जो लुकिंग मिरर, साथ में ड्रेसिंग चीज़ें आपको पूरी मिलती है यहाँ पर। और बिल्कुल आपके बेड के सामने जो है आपको एक टीवी पैनल मिल जाता है, यहाँ पर आप आराम से अपना जो है 40 इंच का टीवी वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। और स्पेस यहाँ पर भी आप अगर कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो चीज़ जो है वो पूरी अच्छे से डिज़ाइन की गई है। लाइट और वेंटिलेशन के लिए आपको खिड़कियाँ जो ऊपर तक आपको विंडोज दे दी गई हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और ठीक इस तरफ आपके पास जो है वॉशरूम आ जाता है जो कि आपका अटैच रहेगा। और आप देखिए कलर्स कितने खूबसूरत यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, कलर कॉम्बिनेशन पूरे घर के अंदर जो दिए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं। एक क्वालिटी वर्क यहाँ पर नजर आया था, समझ आया था कि हाँ ये काम जो हुआ वो अच्छा हुआ हुआ यहाँ पर। और ठीक यहाँ पर अगर मैं आपको दरवाज़ा दिखाता हूँ तो आपका जो दरवाजे जितने भी रहेंगे फ्लश डोर रहेंगे, एक अच्छी क्वालिटी के साथ है। चुगाठ जितनी रहेंगी आपकी आयरन की रहेंगी, जो कि लाइफ लॉन्ग है। और पीछे का जो वॉशिंग एरिया है ये काफ़ी अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप अपनी जो है फ्रंट लोड भी आराम से रख सकते हैं, स्पेस हमारे पास काफ़ी है यहाँ पर, इजिली आप अपनी फ्रंट लोड रखें। टैप्स के पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, पावर पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, इजिली अपनी वॉशिंग और क्लोथिंग दोनों यहाँ पर कीजिए। और दोस्तों ये वो खिड़की है जो आपकी किचन में थी, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खिड़की है यहाँ पर, तो आपको हर तरफ से लाइट पूरी आएगी पूरे घर के अंदर। वेंटिलेशन पूरा एग्जैक्टली बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पर। दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, और इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। यहाँ पर हमारा सेकंड बेडरूम आया था जो कि 10x10 का रहेगा, स्पेस अच्छी है, मैनेज अच्छे से किया गया है, किसी चीज़ को ख़राब नहीं किया गया। बेड यहाँ पर भी बेड की बैक पर हमें पूरा वॉलपेपर मिलेगा एक डिज़ाइनर सा, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया। पूरा रूम की जो थीम है आप देख सकते हैं लाइट बेबी पिंक के साथ यहाँ पर दी गई है। सीलिंग पर भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया पूरा। और ठीक आपके बेड के सामने जो टीवी पैनल लगा है एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ, कलर कॉम्बिनेशन के साथ ऊपर जो आपको पूरा डिज़ाइन दिया गया है, तो इसे कहते हैं जो घर में काम किया गया वो बड़े अच्छे तरीके के साथ किया गया है, ताकि आपको रहने के बाद आने के बाद कभी ऐसा ना लगे कि कोई कमी रह गई। ठीक यहाँ पर आपकी वार्डरोब, एक अच्छी स्पेस यहाँ पर भी आपको पूरी मिलने वाली है। ठीक इसके साथ आपको जो है लुकिंग मिरर मिल जाएगा, ड्रेसिंग एरिया, इसे कहते हैं कि एक स्पेस है चाहे छोटी है उसको अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया गया है। और हर रूम के अंदर आपको एसी के बेड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों यही नहीं कि वॉशरूम हमें यहाँ पर भी अटैच मिलने वाला है, आप इजीली इसे एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ मिल जाती है। डिज़ाइन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मिलेगा हमें वॉशरूम का। टैप्स यहाँ सभी पॉइंट जो हैं वो आपके सारे ज़रूर लग जाएंगे, जैसे आप आएंगे हम साथ के साथ लगा देंगे। वो हम पहले इसलिए लगाते हैं क्योंकि कई बार होता है कुछ लोग यूज़ करते हैं और पानी सारी जगह गिरा देते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम नहीं लगाते। और यहाँ पर एक खास चीज़ और है इस बेडरूम में कि आपके पास एक एंट्रेंस यहाँ पर भी है, बिल्कुल ठीक सामने आपके गुरुद्वारा साहब यहाँ से आपको नज़र आता है।
दोस्तों इसके साथ हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। स्टेज का साइज काफी अच्छा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल सा है, ओके है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आपकी स्टेज चढ़ानी होती है। बहुत से लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और स्पेस ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। आप देखिए यहाँ पर भी जैसे हम ऊपर आते हैं तो स्पेस ही स्पेस हमारे पास। यहाँ पर दो चेयर्स और टेबल लगाकर हम आराम से बैठ सकते हैं। बालकोनी में हमारे पास काफ़ी अच्छी स्पेस है। स्पेस हमें यहाँ पर सबसे अच्छी मिलती है, खुलेपन का एहसास। और यहाँ पर एक लैंप जो आपके घर की खूबसूरती को थोड़ा सा बढ़ा देता है, जब हम शाम का व्यू आपको देगा तो वो अलग ही चीज़ आएगी। और आपको घर के अंदर ऊपर एक सनरूफ मिल जाती है। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन वाकई बड़ा कमाल की चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर बहुत इफेक्ट आती हैं। दोस्तों ऊपर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग एरिया जैसे हमने नीचे देखा था, काफ़ी अच्छी स्पेस हमें पूरी मिल जाती है। ऊपर जो हमारे पास रहेगा एक किचन आ जाएगी और ये एरिया हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप बनाना चाहते हैं तो बन सकता है। तो एरिया जो यूज़ किया गया है वो हिसाब से पूरा प्रॉपर किया गया है। यहाँ पर आपकी किचन आ जाएगी एल शेप के अंदर। दोस्तों बता दो जो किचन ऊपर की रहेगी हमारी ऐसे ही रहेगी, इसके अंदर आपको टैप्स लग जाएंगे लेकिन जो कैबिनेट्स हैं वो यहाँ पर नहीं लगेंगे, क्योंकि ऊपर वाली किचन है ये आप पर डिपेंड है, आपको रेंट आउट करना तो किस तरीके से करना है ये आपको अपने लिए रखनी है। और ठीक इसके साथ हमारे पास पीछे जो स्पेस आ जाती है ये काफ़ी अच्छी आ जाती है। आप मज़े से इस चीज़ को या इस एरिया को यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छी सनलाइट यहाँ पर आती है पूरे दिन। और ये चीज़ें हैं जो खुलेपन का एहसास यहाँ पर होता है। ऊपर आपको एक वाटर टैंक मिल जाएगा, स्टेज यहाँ पर लगी हुई है और ठीक इस तरफ, और ये आपका वॉशरूम। टाइल्स यहाँ पर आपको पूरी मिल जाएंगी। दोस्तों तीन रूम्स हैं तो तीन के साथ तीन आपको वॉशरूम पूरे मिल जाते हैं यहाँ पर। एक पूरा कंप्लीट घर मिल जाता है एक बजट के अंदर और एक डिजाइन के साथ मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आज की। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप इस घर को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस वादे के साथ आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।